सुनिए हमारी वीडियोस के ऑडियो वर्जन सिर्फ खबरी ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। एक पता पूछना है मुझे, हंसते हंसते बता दो। एक पता पूछना है मुझे, हंसते हंसते बता दो। एहसासे लफ्ज उतार लिया है कागज पे मैंने। अरे भाई सुनो, जरा सोशल हाउस का रास्ता बता दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसी है, मैं अमृतसर से आई हूँ और मैं आपके सामने एक नज्म पढ़ूंगी और उसके बाद कुछ पंक्तियाँ हैं, फिर मैं आपसे विदा लूंगी। तो ये जो नज्म है, इसका नाम है कि वो मुझे खोने से डरता है। जाहिर है इस नज्म से कि किसी से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो मुझे खोने से डरता है। एंड यकीन करिए कि ये सबसे खूबसूरत एहसास होता है ज़िंदगी में, कि जब आपको किसी इंसान ने एहसास करवाया कि वो आपको खोने से डरता है। तो शुरू करती हूँ कि अपने 100 गमों को परा रख, कि अपने 100 गमों को परा रख, मेरा बस वो एक गम मिट जाए, ऐसी दुआ करता है। शुक्रिया शुक्रिया। कि अपने 100 गमों को परा रख, मेरा बस वो एक गम मिट जाए, ऐसी दुआ करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका इश्क इस कदर मेरी रूह को छुआ करता है, कभी ख्वाब में भी देख ले मुझे दूर जाते खुद से, तो मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है, मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है। मैं खुश नसीब हूँ कि वो मुझे खोने से डरता है। शुक्रिया। कि शिकायतें तो लाखों रहती होंगी उसे भी मुझसे, कि शिकायतें तो लाखों रहती होंगी उसे भी मुझसे, मगर करे मेरा कोई जिक्र तो तारीफों के पुल बांध दिया करता है। गवारा नहीं उसे कि कोई गंदी नजरों से देखे मुझे, कि गवारा नहीं उसे कोई गंदी नजरों से देखे मुझे, कमजोर मैं ना पड़ जाऊं इसलिए वो अक्सर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख लिया करता है। शुक्रिया। कि मेरी हर गलती की माफी है उसके पास, मेरी हर गलती की माफी है उसके पास, मगर मुझे कभी गलत करार नहीं करता। बेएतबारी बेएतबारी लफ्ज मुझसे कोसों दूर रखता है, वरना कब का कह जाता मैं तुझसे प्यार नहीं करता। शुक्रिया शुक्रिया। कि मेरे ऐब मेरी खामियां अपनाने की हिम्मत रखता है, मेरे ऐब मेरी खामियां अपनाने की हिम्मत रखता है, और परफेक्ट की बात जहां आए उसे अक्सर मेरा चेहरा दिखता है। कि शुक्रिया शुक्रिया। कि देखने की तलब जब भी होती है उसे, वो बेवक्त मुझे वीडियो कॉल करता है, मैं खुश नसीब हूँ वो मुझे खोने से डरता है। वो सड़क पे चलते वक्त जब मुझे सेफ साइड पर करता है, कि वो सड़क पे चलते वक्त जब मुझे सेफ साइड पर करता है, कब तक उसकी पना में यूं रह पाऊंगी सोचकर मेरा मन सा भरता है। यूं इस कदर महफूज रखने के वादे तो उसने मुझसे किए नहीं, कि यूं इस कदर महफूज रखने के वादे तो उसने मुझसे किए नहीं, फिर भी निभाए जा रहा है, खुद हजारों बोझों के तले दबा हो बताएगा नहीं, और मुझे जिंदगी जीने का हौसला दिया जा रहा है। इस पे मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगी, कि लड़ाई को वो सिर्फ लड़ाई समझकर, कि लड़ाई को वो सिर्फ लड़ाई समझकर, मसला सुलझाकर मुझे सीने से लगाता है, यूं मुझसे दूर जाने के वो बहाने नहीं करता है। मैं खुश नसीब हूँ कि वो मुझे खोने से डरता है। रो दूं अगर मैं तो, रो दूं अगर मैं तो, वो भी कमजोर पड़ जाता है, आंसुओं की वजह तो पता चले जनाब, वो शख्स क्या उसके खानदान से लड़ जाता है। मेरे मुस्कुराने से उसकी सांसों, मेरे मुस्कुराने से उसकी सांसों की गिनती बढ़ जाती है, इतनी अहम हूँ मैं उसके लिए। कि मेरे मुस्कुराने से उसकी सांसों की गिनती बढ़ जाती है, इतनी अहम हूँ मैं उसके लिए, वो ये बात मुझे बैठकर प्यार से समझाता है। मोहब्बत है तुमसे कभी खुलकर बोल नहीं पाता, मोहब्बत है तुमसे कभी खुलकर बोल नहीं पाता, मगर यकीन करें ये बोलने से पहले मुझे ये एहसास कराता है। सारे जहां की खुशियां इकट्ठी करके उसके कदमों में रख दूं, ऐसा मेरा भी दिल करता है। मैं वाकई खुश नसीब हूं कि वो मुझे खोने से डरता है। और अंत में मैं लिखती हूं कि आजमाइश मैं भी क्यों करूं उसकी,
जिसने देख इतना प्यार करता हूँ कहकर अपने दिए प्यार को कभी नहीं नापा। ज़रूरी मतलब ऐसा होता है कि हाँ हम एफर्ट्स करते हैं किसी के लिए, तो कोई बड़ा काम करते हैं तो हम कहते हैं देख इतना प्यार करता हूँ इसलिए मैंने करा, तो हम अपने प्यार को नाप रहे हैं। तो उस पर लिखा है कि आजमाइश मैं भी क्यों करूँ उसकी, जिसने देख इतना प्यार करता हूँ कहकर अपने दिए प्यार को कभी नहीं नापा, लो आज सबके सामने कहती हूँ मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ पापा। बहुत शुक्रिया। अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं एक चंद लाइनें बोलना चाहूँगी, अगर थोड़ा सा वक्त मुझे और मिले, कि ऐसा होता है कि जब लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है ना, तो उसे जो प्यार मिलता है ना, जो प्यार का वो लेवल होता है ना, वो आगे कोई शख्स भी पूरा नहीं कर सकता, सबको पता है। मगर फिर भी वैसा प्यार वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड में, तो या अपने प्यार करने वाले में, तो किस तरह के शख्स को अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहती है। ये एक लड़की की तरफ से लिखा है कि सो जाऊँ मैं कभी ठंड में, कि सो जाऊँ मैं कभी ठंड में सोफे पर, बिन जगाए मुझे कंबल उड़ाकर मेरे कमरे तक पहुंचा सको तो चले आओ, कि खूब बारिश हो जिस दिन, कि खूब बारिश हो जिस दिन और मैं जमकर भीग जाऊं, बस करो बीमार पड़ जाओगी कहकर छत से मुझे नीचे पुकार सको तो चले आओ, भूख नहीं लगी कहकर जिद करूंगी, भूख नहीं लगी कहकर जिद करूंगी, जब एक एक निवाले को अपना नाम देकर खिला सको तो चले आओ। शुक्रिया कि बिन कहे मेरी ख्वाहिशों को कोई समझ आए, इतना काबिल कोई नहीं मेरी नज़रों में, कि बिन कहे मेरी ख्वाहिशों को कोई समझ आए, इतना कोई काबिल नहीं मेरी नज़रों में, मगर हाँ मेरी आधी जुबान से निकली चीज़ को कुछ पलों में तुम मेरे हाथ में थमा सको तो चले आओ। शुक्रिया कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हंसी, कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हंसी मगर चेहरे पर मेरे मुस्कान हो, किस बात का गम है पूछकर मुझे सीने से लगा सको तो चले आओ, मेरी छोटी सी छोटी खुशी के खातिर अपनी लाखों खुशियों का गला दबा सको तो चले आओ, कभी बन ठन के घूमने जाएं कहीं पर, कि हम दोनों कभी बन ठन के घूमने जाएं कहीं पर, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगने के बाद भी लाओ तुम्हारी एक तस्वीर खींच दूँ कह सको तो चले आओ। बहुत शुक्रिया। और बस ये दो लाइनों के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ कि माँ बाप सी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर पाएगा, ये यकीन है मुझे, कि माँ बाप सी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर पाएगा ये यकीन है मुझे, मगर उनकी थोड़ी सी भी छवि तुम मुझे खुद में दिखा सको तो चले आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।